रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान नाटो का नाम बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। आइए जानते हैं नाटो क्या है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। नाटो के तहत कहा गया है यदि कोई बाहरी देश इसके सदस्य देशों पर हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। हालांकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो मौजूदा स्थिति के अनुसार नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमा पर स्थायी रूप से मौजूद हो जाएंगी। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो, इसलिए ही यह युद्ध छिड़ा।